आई एम आयुष कुमार सिंह फ्रॉम बिहार, और मेरी फैमिली में चार लोग हैं। पापा एक्स सर्विसमैन है, मदर होम मेकर है, एंड भाई आईपैक में सर्व करता है। इट इज़ अ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी। देन थ्री मेजर टेक अवेज। फर्स्ट सर, मुझे रियलाइज हुआ फिजिकल फैसिलिटी के रिलेटेड हम लोग सब भागने में लगे हुए हैं। फिजिकल फैसिलिटी इकट्ठा कर लें, एक बार इकट्ठा कर लेंगे शायद उसके बाद कभी रुक सकें, बट एक्चुअल में ये होने नहीं वाला, कहीं रुक नहीं पाएंगे। सेकंड सर, एक्सेप्टेंस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस। इसका वैसे एग्जांपल देने जाऊँ तो टाइम लग जाएगा, बट सिंपल है कि मैं एक कपड़ा पहनता हूँ जो कि आप तारीफ करें, और एक कपड़ा पहनता हूँ जो कि मुझे कंफर्टेबल है। ये डिफरेंस है एक्सेप्टेंस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस का। थर्ड सर, अपने लव को एक सिंपल वे में डिफाइन किया, फीलिंग फॉर रिलेटेड टू ऑल। ये एक मुझे मुझे डेफिनेशन सर सेशन के बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ही कंसाइज थे। और लव को आपने एक और कहा कंप्लीट वैल्यू। थ्री मेजर टेक अवेज थे सर। एंड बिफोर एंड आफ्टर में इंडिविजुअल लेवल पे सर एक जो चेंज मुझे दिखा, पहले मुझे लगता था आई एम ए फ्लैश, मीन्स हार्ड मास का पुतला हूँ मैं, एंड अब आई एम ए कॉन्शियसनेस प्लस बॉडी। वैसे तो ये इंडिया में हर कोई सुनता है वो आत्मा का कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने पहले नहीं सुना है, सुना है, बट आपने थोड़ा क्लियर किया है, थोड़ा ज़्यादा क्लियर है पहले से। फैमिली के लेवल पे, पहले फैमिली थी और एडिंग वैल्यू, अभी फैमिली है कि मैं उसमें खुशी ढूंढ सकता हूँ। फैमिली के अंदर जो खुशी मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो फैमिली में मिल सकती है मुझे। बट सोसाइटी के लेवल पे एक सर थोड़ा सा मेरा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। सोसाइटी के लेवल पे सारी दुनिया खाने के लिए तैयार है हमें, ये था। उसके बाद अभी मुझे पता चला कि अगर मैं इंटेंशन को चेंज करूं, मेरा ट्रस्ट चेंज होगा, एंड सोसाइटी के साथ मैं रिलेशन अच्छे बना सकता हूँ। एग्जिस्टेंस के लेवल पे आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो चेंज हुआ है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर पर्सन। सर नेक्स्ट है बिहेवियर चेंज। सर मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि बहुत बड़ा चेंज आ गया इतनी जल्दी, इट्स अ वेरी फ्यू टाइम टू सम चेंज टू शो अप, बट हाँ क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई है, एंड मेरे जो बिलीफ थे उसको चैलेंज किया गया है। मैं सेल्फ डेवलपमेंट के फील्ड में, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ पहले भी, उसके थोड़ा अलग भी है, तो क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई है सर। सर रिलेवेंस सिंपल सा ये है कि मैं, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उसे ये ना फील कर सकूं कि उसका दर्द मेरे दर्द जैसा है, मैं उसे उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखूं या फिर ये देखूं वो मुझे पैसे देने आया है, तो फिर मैं उसे ट्रीट नहीं कर पाऊंगा ढंग से। लास्ट पॉइंट सर, माई फ्यूचर प्लान एंड कमिटमेंट। सर मैं इसमें मैंने कुछ मैटेरियलिस्टिकली नहीं लिखा है, मैंने लिखा है फ्रीडम स्टेबिलिटी एंड पावर टू मेक अ चेंज एट अ लेवल ऑफ माई एग्जिस्टेंस। दैट्स इट सर।